हेलो गाइस, दिस इज टेक सेवी ओमी और आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले DJI का नाजा मल्टी रोटर लाइट फ्लाइट कंट्रोलर, जिसके अंदर ऑटोपायलट सिस्टम दी गई है। बॉक्स सिंपल है, रेड कलर का बॉक्स है नॉर्मल। इसके ऊपर DJI का ब्रांडिंग दिया गया है, ऊपर लिखा गया है नाजा मल्टी रोटर लाइट द प्रिंस द गेम चेंजर ऑटोपायलट सिस्टम। ये DJI का जो नाजा m-Lite है फ्लाइट कंट्रोल, मैंने बैंगलोर से ऑर्डर किया है अराउंड 3900 विदाउट एनी कस्टम चार्जेस। सो इसके अनबॉक्स करते हैं। अभी बॉक्स के पीछे तो कुछ सीरियल नंबर्स दिए गए हैं और चाइनीज में इंफॉर्मेशन दी गई है थोड़ी सी, और QR कोड भी दिए गए हैं, और इसके जो वेबसाइट है उसका भी दिया गया ब्रांडिंग DJI innovations.com। सो लेट्स ओपन करते हैं इसको। इंडिया में भी अवेलेबल है पर इसकी प्राइस जो है 4500 तक ही मिलता है। और ये जो वर्जन है मैंने विदाउट GPS लिया है, विद GPS इसकी प्राइस जो है अराउंड 6000 तक जाती है। तो बॉक्स ओपन करने से बाद आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ये इसका मेन फ्लाइट कंट्रोलर है, इसकी साइज़ बहुत छोटी है। अगर आपके पास APM देखा हो, KK 2.1.5 देखा हो, तो आप देख सकते हो उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। इसको बाद में देखते हैं। और एक USB केबल है, इसके ऊपर DJI का ब्रांडिंग दिख रहा है अंदर से, इसको बाद में देखते हैं। ये इसका रिमोट LED है, यहाँ से आप USB कनेक्ट कर सकते हो। इसके LED के इंडिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपने GPS कुछ लगाया तो इसके LED के कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके मोड्स। ये इसका वर्सेटाइल यूनिट है, इससे आप बैटरी के मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब मैं इसको इस फ्लाइट कंट्रोल को अपने ड्रोन के साथ कनेक्ट करूंगा। कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं अपने बोर्ड को माउंट, फ्लाइट कंट्रोल को माउंट करने के लिए, और सर्वो पिन्स दिए गए और बाकी कुछ नहीं है। और ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए सिलिका जेल। तो एक एक पैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे उसकी क्वालिटी है। फ्लाइट कंट्रोल बहुत साइज में छोटा है, अप्रॉक्सीमेटली मैच बॉक्स के साइज से इतना ही है। लेट मी शो यू, ये नॉर्मल अपना मैच बॉक्स है, आप देख सकते हो उसकी साइज। जितना कम मैच बॉक्स है उतना ही है फ्लाइट कंट्रोल की साइज है सॉरी। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इनपुट के लिए चैनल दिए गए AETRU, मतलब ये है जो है एलिरॉन, मतलब जो फ्लाइट कंट्रोल के जो मोड है वो सब दिए गए यहाँ पे, एलिवेशन, थ्रोटल, रडर और ऐसे सब जो अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे आप PPM लगा सकते हो, यहाँ ऊपर जो आपने देखा अभी मैंने ये रिमोट LED कनेक्शन है वो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पे iBus या SBus या PPM मोड कनेक्ट कर सकते हो। और जो मल्टीरोटर है जो इसमें आप हेक्सकॉप्टर तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और जो F1 और F2 दिए हैं यहाँ पे आप गिम्बल कनेक्ट कर सकते हो। तो एक वीडियो में अगली बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा इसको PC के साथ सेटअप करके दिखाऊंगा, इसके सॉफ्टवेयर कौन से लगेंगे, इसके और आपको इंस्टॉल करने के लिए कौन से ड्राइवर्स लगेंगे, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगले वीडियो हम देखेंगे इसको एक्चुअल ड्रोन के साथ असेंबल कैसे करते हैं, और सेटअप करने के बाद उसको कैसे कॉन्फिगर करते हैं। तो उसको साइड में रखते हैं, ओपन करते हैं इसका रिमोट LED मॉड्यूल। जो रिमोट LED मॉड्यूल है आप यहां से आप USB कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो मॉड्यूल है वो आप यहां कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपको इसको कनेक्ट करना है, और कॉन्फिगर करने के लिए आपको USB यहां कनेक्ट करना है। और अगर फ्लाइट टाइम भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो LED के नोटिफिकेशन आते हैं सब इस रिमोट LED के ऊपर ही आते हैं। ये RGB LED है, यहाँ पे आप सब कलर के नोटिफिकेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मोड्स और सब। इसमें नॉर्मल अपनी USB की लगती है B टाइप माइक्रो USB, इसमें सी पोर्ट नहीं है, नॉर्मल है केबल है।
जो अपने एंड्रॉयड फोन्स में लगती है अभी। केबल लेंथ अराउंड 1 मीटर है, 1 मीटर भी नहीं है, फिर भी चलेगा। इसके ऊपर डीजे का ब्रांडिंग दिया है। ये जो है आपके पैड कंट्रोल को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से जो अपनी बैटरी लगाती है अपनी लिपो बैटरी वहाँ पे कनेक्ट करना है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है। डीजेआई में जो सॉफ्टवेयर दिए गए मैंने एक बार चेक किए हैं सब सॉफ्टवेयर्स, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। अगले और हम देखेंगे इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सर्वो कनेक्टर्स और स्टिकर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। 3M के स्टिकर्स से फ्लाइट कंट्रोलर को स्टिक करने के लिए ड्रोन पे। तो गाइस अगले वीडियो हम देखेंगे इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और इसको असेंबली करेंगे अपने ड्रोन के साथ। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है बैंगलोर से इसको कैसे ऑर्डर करेंगे, कुछ अगर आपको कस्टम रिलेटेड डाउट्स हैं कि आप पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू गाइज़।